देश में एक बार फिर बड़ा रेल हादसा हुआ है। राजस्थान के अजमेर में सोमवार तड़के बड़ी लापरवाही सामने आई जब यात्रियों से भरी हुई साबरमती एक्सप्रेस की मालगाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। मालगाड़ी से टक्कर में साबरमती आगरा सुपरफास्ट की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में कई यात्रियों को चोटें आई। ट्रेन हादसा अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर रात 1:04 पर हुआ, जब साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट एक्सप्रेस की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। अधिकारियों के मुताबिक लोको पायलट ने ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन वो टक्कर को रोक नहीं पाया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के जान गंवाने की खबर नहीं आई। हादसे के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं रेलवे के DRM। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। जी, अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन। तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट्स को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो वो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेज डेल हो गए हैं। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड, थोड़ी सी खुर्च लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने ये वो ट्रेन भी यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागामी चालू हो गई है। सर, बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन थी। नहीं, एक ट्रैक पर 2 ट्रेन नहीं थी, एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी, बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं है। सर, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है, करीबन 20 आगे की तरफ चला गया ट्रैक से, डाइवर्ट हो गया इंजन जी, पावर बची करता। तो सर, कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट, कहीं ना कहीं स्थिति बनी होगी, तभी तो ये डाइवर्ट हुआ होगा या फिर अपने आप नहीं। वो जो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्रिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब दो हैवी, एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज़ आगे हो जाइए थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। सर, आप किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है, कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें प्रभावित हुई हैं? वहीकल 2 रस्ते हमने, 2 लाइन फिट हो गई हैं। जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, सबसे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है, अब मेरी राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी। अधिकारियों ने बताया मालगाड़ी से टक्कर की वजह से इंजन समेत जनरल कोच की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें चोटें आईं। वही हादसे की वजह से ट्रेन परिचालन ठप रहा, जिससे यात्री परेशान नजर आए। 12 बजे का आए हुए, 12 बजे सब खड़े ही हैं, इधर लाइन में खड़े हो, उधर लाइन में खड़े हो, लाइनों में खड़े हैं खाली। अभी तक पता नहीं है कि कहाँ कंफ्यूज है, मतलब कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कुछ पता नहीं है। क्या करें, बच्चे भी हैं, परेशान हैं, रोजे में वैसे हैं। किस तरीके से आपको परेशानी हो रही है और किस चीज़ का परेशानियाँ तो भैया उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हो गया है उसको थोड़ा सा देखने के लिए। मेरा एग्जाम है दिल्ली, मेरे को जाना था, गरीब नवाज़ में मेरी वो थी टिकट थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं जा पा रहा। तो अभी उन्होंने, मैंने जब बात करी हेल्प सेंटर से, तो वो कह रहे हैं कि आप रानीखेत में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब परेशानियाँ हो रही हैं सर, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की भी टेंशन है पहले से, और ऊपर से मतलब भी लेट हो रहे हैं, पता नहीं टाइम पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, तो वो सारी परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। अभी आपको क्या बताया यार, कहाँ भेज रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि अभी बस आएगी, मतलब आपको दूसरे स्टेशन पर जाना पड़ेगा, तो बस आएगी, उसी का हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े। हालांकि अब ट्रेन परिचालन वापस से शुरू किया जा चुका है। रेलवे ने घटना की जांच के लिए कमेटी बनाई। उम्मीद है इस हादसे के पीछे जिसकी भी लापरवाही जिम्मेदार हो, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे टाले जा सकें।